नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योर्स वन टॉक में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का एक ऐसा जाना माना मैथमेटिशियन जो मैथ्स के सवालों को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकता था, जिसने अपने मैथमेटिकल थ्योरी द्वारा ब्लैक होल फंक्शन और इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी मैथ्स की नोटबुक आज भी दुनिया भर के मैथमेटिशियन के लिए एक रहस्य का विषय है। आज हम डॉक्यूमेंट्री में बात करने वाले हैं मैथ्स के जादूगर श्रीनिवास रामानुज के बारे में। श्रीनिवास रामानुज को मॉडर्न पीरियड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थिंकर में गिना जाता है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अंग्रेज मैथमेटिशियन G.H. हार्डी ने इन्हें नेचुरल जीनियस नाम दिया था। रामानुज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की, क्योंकि ये बेहद साधारण और गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं उनके बचपन के बारे में। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के एरोड नाम के एक गांव में हुआ। ये एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे। इनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करते थे और इनकी माँ कोमल तामल मंदिर में भजन गाया करती थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अक्सर मंदिर से मिलने वाले प्रसाद से इनके परिवार का एक वक्त का खाना हो जाया करता था। इनका बचपन अधिकतर कुंभकोण में बीता, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वो 3 वर्ष के होने के बाद भी बोलना नहीं सीखे। इससे परिवार वालों को बहुत चिंता हुई कि कहीं उनका लाडला श्रीनिवास गूंगा तो नहीं, लेकिन समय रहते कुछ प्रयासों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद इनका दाखिला गांव के एक स्कूल में कराया गया, तो वहां इनका पढ़ने में मन नहीं लगा, क्योंकि रामानुज को विषयों का रटना बहुत उबाऊ लगता था। जिज्ञासु रामानुज शिक्षकों से क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद करते थे, जिससे अध्यापक कभी कभी उनके अटपटे प्रश्नों को सुनकर हैरान रह जाते थे। इनके जिज्ञासा से चमकती आंखें उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। स्कूल में इनके यूनिक टैलेंट ने दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स पर छाप छोड़ना शुरू किया। उन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज लेवल की गणित को पढ़ लिया। कहा जाता है कि रामानुज जब 7th के स्टूडेंट थे, तब ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाया करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैथ्स और इंग्लिश में उनके बहुत अच्छे नंबर आए, जिसकी वजह से उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली। इसकी मदद से इन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली। रामानुजन ने G.S. कार के गणित के परिणामों पर लिखी गई किताब शुद्ध गणित के सारांश के 6165 फॉर्मूला को बिना किसी की मदद लिए प्रूव कर दिया था। उस वक्त रामानुजन की उम्र मात्र 15 वर्ष से भी कम थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे अदर सब्जेक्ट्स की क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस और इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 11वीं की कक्षा में गणित विषय को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में रामानुजन फेल हो गए और इस वजह से इनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई। घर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी रही थी कि बिना स्कॉलरशिप के ही आगे की पढ़ाई जारी रख पाते, लिहाजा घर की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने मैथ्स के कुछ ट्यूशंस लिए, साथ ही अकाउंटेंट का काम भी शुरू कर दिया। समय यूं ही गुजरता रहा। रामानुजन ने 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा। कुछ समय बाद 1907 रामानुजन का 12वीं का रिजल्ट आया। इसमें वो फिर से फेल हो गए। कारण वही था, गणित से अत्यधिक प्रेम और अन्य विषयों की अवहेलना। इनके माता पिता ने 1908 में इनका विवाह जानकी से कर दिया। अब इनके ऊपर परिवार के साथ साथ उनकी पत्नी की भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए सब कुछ भूलकर अब गणित में डूबना इनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए रामानुजन नौकरी की तलाश में मद्रास आए, लेकिन 12वीं में फेल होने के कारण इन्हें कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसी बीच खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें अपने घर वापस कुंभकोणम लौटना पड़ा, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं पर थी। इसीलिए स्वास्थ्य के कुछ ठीक ठाक होते ही वापस नौकरी की तलाश में एक बार फिर से ये मद्रास आए। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। ये रामानुजन की प्रतिभा को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। श्री अय्यर ने क्षेत्र के जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मंथली स्कॉलरशिप का प्रबंध भी करा दिया।
स्कॉलरशिप की वजह से रामानुजन ने मद्रास में रहते हुए एक साल के भीतर अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ भाग। ये शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश्ड हुआ। रामानुजन ने मद्रास में रहते हुए पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। नौकरी के साथ ये गणित पर लगातार नए नए रिसर्च भी करते जा रहे थे। इसके लिए रामानुजन दिन में नौकरी करते और रात को जागकर नए नए गणित के सूत्र बनाकर लिखा करते थे। ये सारा काम वो एक स्लेट पर किया करते थे, क्योंकि गरीब रामानुजन के पास ज्यादा कॉपियां या पेज खरीदने के पैसे नहीं थे। तो रामानुजन पहले स्लेट में गणित के सवाल हल करते, फिर सीधे फाइनल आंसर कॉपी पर उतारते, ताकि कॉपी जल्दी न भर सके। रामानुजन के जीवन में उस वक्त बड़ा बदलाव आया जब 1913 में उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को 10 पन्ने का एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपना साधारण परिचय देने के बाद लिखा, मैंने डाइवर्जेंट सर्विस पर विशेष रिसर्च की है और जो नतीजे आए हैं उसे लोकल मैथमेटिशियन चौंकाने वाले बता रहे हैं। इसमें रामानुजन ने हार्डी को लगभग 120 थ्योरम्स भेजी। पत्र पढ़ने के बाद शुरू में हार्डी को ये एक पत्र कोरी बकवास लगा, लेकिन जब उन्होंने रामानुजन के थ्योरम्स देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, ना कभी खुद से सोचे थे, हार्डी और उनके सहयोगी लिटिल वुड एक बारहवीं फेल भारतीय छात्र के भेजे गए सैकड़ों थ्योरम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे सॉल्व नहीं कर पाए। तब हार्डी को समझ में आया कि ये लड़का कोई शेख चिल्ली नहीं बल्कि गणित का बहुत बड़ा विद्वान है। तब उन्होंने रामानुजन को यूलर और जैकोबी, जो कि कैलकुलस की नींव रखने वाले मैथमेटिशियन थे, की कैटेगरी में रखा। इसके बाद हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने का न्योता दिया। उस समय धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र पार करके विदेश जाना गलत माना जाता था, इसीलिए इनका परिवार भी इनके विदेश जाने के खिलाफ था। लेकिन इस अंधविश्वास को तोड़ते हुए रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे और लिटिलवुड और G.H. हार्डी के साथ काम शुरू किया। 1914 में रामानुजन जब लंदन पहुंचे, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ मिलकर इन्फिनिटी सीरीज को जानने और समझने की दिशा में काम किया। रामानुजन के इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट से जो लोग अपरिचित हैं, वो इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप सभी प्राकृतिक संख्याओं को अनंत तक जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये -1/12 के बराबर है। इन्होंने बिना किसी चीज के, बिना किसी सीमा के असीमित की अवधारणा दी। रामानुजन ने अनंत श्रृंखला और सतत भिन्न सहित अनेक प्रकार के मैथमेटिकल एनालिसिस में अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं एक टैक्सी नंबर 1729 की, जो हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से फेमस है। ऐसे ही एक दिन जब रामानुजन बीमार होने के कारण अस्पताल में थे, तो हार्डी उनसे मिलने आए। हार्डी उस दिन बहुत उदास लग रहे थे। रामानुजन ने उनसे पूछा, आप इतने परेशान क्यों हो, आज तो मैं पहले से बेटर हूँ। हार्डी ने कहा, तुम तो संख्याओं के जादूगर हो, लेकिन आज मैं जिस टैक्सी में आया हूँ मुझे उसका नंबर बहुत ही नीरस लगा। टैक्सी का नंबर था 1729। इस पर तुरंत रामानुजन ने उत्तर दिया, शायद 1729 से अधिक इंटरेस्टिंग नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे कुछ ही नंबर्स हैं जिन्हें दो क्यूब के योग के रूप में दो अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है, और 1729 उनमें सबसे छोटी संख्या है। 1729 इज इक्वल टू 13+123 इज इक्वल टू 93+103। रामानुजन ने बिना किसी मदद के हजारों रिजल्ट्स इक्वेशंस के रूप में कंप्लीट किए, लेकिन रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा, फंक्शन विभाजन सूत्र, मॉक थीटा फंक्शन, इसके अलावा उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। 1920 में रामानुजन की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। वो भारत वापस आ गए और जब मृत्युशैया पर पड़े थे, तब इस मैथ मैजिशियन ने एक पत्र हार्डी को भेजा। इस पत्र में 17 नए फंक्शन लिखे हुए थे, साथ ही ये हिंट भी दिया गया था कि ये सभी फंक्शन थीटा से जुड़े हैं। इसमें एक फंक्शन मॉक थीटा का भी था। रामानुजन ने कहीं नहीं लिखा था कि ये फंक्शन कहां से आया और कैसे प्रूव्ड हुआ, इसका कहां और क्या इस्तेमाल है और इसकी क्या जरूरत है। लंबे समय तक ये मॉक थीटा सबके लिए एक पहेली बन रहा। इस पर मैथमेटिशियन फ्रीमैन डायसन ने लिखा कि मॉक थीटा कुछ बहुत बड़े सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है।
इसे जब 2020 में समझा गया तो पता चला कि रामानुजन का 1920 में खोजा गया मॉक थीटा अंतरिक्ष में स्थित ब्लैक होल के फंक्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज भी मॉक थीटा का इस्तेमाल ब्लैक होल के नेचर को समझने में होता है। ये सब अपनी मेहनत और लगन से रामानुजन ने तब कर दिखाया जब उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था और न ही कोई गणना करने के टूल्स। अंतरिक्ष में बिना जाए इसकी गणना करना तो एक कल्पना की बात थी। अब इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, उनका कहना था कि इस सब के पीछे देवी नाम गिरी है। दरअसल वे कहते थे कि कई बार जब वो किसी कठिन प्रमेय या सवाल पर उलझ जाते हैं और उसका हल नहीं मिलता तो रात में देवी नामगिरी सपने में आकर उस सवाल का सलूशन सुझा देती है। देवी नामगिरी रामानुजन की कुल देवी थी जिसे उनका परिवार कई पीढ़ियों से मानता रहा था। एक ओर रामानुजन लगातार उपलब्धियां पा रहे थे तो दूसरी ओर उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। उन्हें टीबी की बीमारी हो जाने की वजह से वापस देश लौटना पड़ा। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में रामानुजन के जीवन का अंत टीबी की बीमारी की वजह से हो गया। 1976 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में जॉर्ज एंड्रूज नाम के एक गणितज्ञ ने 100 से ज्यादा पन्नों की एक नोटबुक को एक बक्से में उपेक्षित पड़ा पाया। जॉर्ज एंड्रूज ने जब उस नोटबुक को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस नोटबुक में 600 से ज्यादा गणितीय सूत्र रामानुजन द्वारा लिखे गए। इस नोटबुक की खोज ने गणित की दुनिया में खलबली पैदा कर दी। आज भी गणितज्ञ इस नोटबुक के सूत्रों और थ्योरम्स को जांच करने और सिद्ध करने की कोशिश में जुटे हैं। लाइब्रेरी में पड़ी रामानुजन की ये पुरानी नोटबुक आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए एक रहस्य है जिसके ढेरों थ्योरम्स में से अभी भी हल नहीं किए जा सके हैं। रामानुजन का मैथमेटिकल रिसर्च उस कैटेगरी का है जिसे हम प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। ये इतनी हाई लेवल मैथमेटिक्स है कि लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के सिलेबस में से रखना पॉसिबल नहीं। भारत सरकार ने 1962 में श्रीनिवास रामानुजन की 75वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 22 दिसंबर 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन की 125वीं जयंती पर प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। रामानुजन का घर अब म्यूजियम बन गया है जो पूरी दुनिया के गणितज्ञों के लिए एक तीर्थ जैसा है। यूं तो श्रीनिवास रामानुजन को गणित में कोई खास प्रशिक्षण कभी नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं नंबर थ्योरी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए बल्कि संसार में भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और आगे इसी तरह हम आपके लिए नए नए और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।